हेलो स्टूडेंट, तो सामाजिक विज्ञान के आंसर की मिला लीजिए सेकंड सेटिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए तो ये सेट कोड कौन है, एफ है, ठीक है। तो ए टू जेड इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपका सेट का। तो चलिए क्या कह रहा है कि कोपरा क्या है। तो कोपरा कह रहा है तो आपको फटाफट हम बताए थे आंसर, सूचना का अधिकार कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई, तो लॉर्ड न्यूटन लिटन। लुई सोलहवें को फांसी कब दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1793 में। देखिए क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेनिन, जो बोल्शेविक क्रांति के मुख्य थे। लेनिन के उत्तरदायी कौन बना, तो ट्रस्टकी ने, ठीक है। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया, तो जापान, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो यहाँ पर इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई, तो 1930 ईस्वी में। देखिए कह रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो वह है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है, तो बैंडेज और टेप। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अश्वान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी। पंद्रहवा क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्टर माप पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है, तो होता है भूकंप में, ठीक है। सोलहवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है सार्डिनिया का राजा कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विक्टर एमैनुएल। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था, मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर, तो ये तीनों थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कोई उत्तरदायी नेता नहीं है, तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, तो मोंटेस्क्यू, जेम्स फोर्ड रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो वह है महाराष्ट्र। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया, तो जर्मनी में। यहाँ पर दामोदर नदी होगा, गंडक भी नहीं होगा, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर कह रहे हैं महासागर तल के कंपन का संबंध है, महासागर तल में कंपन होगा तो क्या होगा, सुनामी, ठीक है। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा की, असम, तो राइट आंसर हो जाएगा असम। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्य को और संघ को, दोनों को, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ग्राम पचहरी का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि सप्तदलीय गठन कहाँ बना, तो म्यांमार में, राइट आंसर इसका नेपाल हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार नहीं होगा। चलिए यहाँ पर यहाँ देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो 1868 ईस्वी में। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, तो
तो इनमें से सभी उत्पादन आय व्यय सारा हो जाएगा। देखिए आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो होता है बचत। आय उपभोग होगा, उससे जो बचेगा उसको बचत ही बोलेंगे। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई, तो वह भारत। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक क्षेत्र का। यहाँ पर देखिए, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो वह नागरिक सेवाएं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीय का सुझाव निम्न में से किसने दिया, बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ पर देखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर 74वां हो जाएगा। यहाँ देखिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुई है, तो वहाँ पर उत्तराखंड से। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो भारत में। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो वह है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, तो यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता का पोषण, जनमत, मतभेदों का सामंजस्य, इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रेगुर किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। चलिए, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटक। यहाँ पर देखिए भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, भारत का कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 के आसपास हो जाएगा, यहाँ पर 24.62%। ठीक है, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो असम। प्राथमिक राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो 1934 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ, तो कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनार किस देश की मुद्रा है, दिनार, तो ये हो जाएगा इराक की। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 2007 से 2012, ये होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, यहाँ पर गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, क्या कहलाते हैं, सतत विकास, समावेशी विकास, आर्थिक विकास, सब विकास होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो यहाँ पर देखिए ब्रिटेन हो जाएगा।
यहाँ पर कह रहा है कि संवाद कमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, तो बांग्ला में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए यहाँ कोचर कह रहा है रक्त और लौह की नीति का संबंध किन से है, तो बिस्मार्क से है। ठीक है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है, तुर्की के। ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई, इटली रूस, रूस फ्रांस, तो रूस फ्रांस होना चाहिए, यहाँ पर रूस फ्रांस सही आंसर है। यहाँ पर कह रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलियम प्रथम, पोलैंड, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो वह है राजस्थान। आगे देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु। आगे कह रहा है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, तो वह है अभ्रक। यहाँ पर कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत राइट आंसर है बॉक्साइट, बी ऑप्शन। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बच गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।